दुर्ग जिले में एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों का भर्राशाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि जिसके चलते पालक संघ की प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान, जिलाध्यक्ष संध्या उपाध्याय ने नामजद 8 स्कूलों की लिखित शिकायत कर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा सत्र 2024-25 में की गई फीस वृद्धि पर रोक लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हर साल फीस को बढ़ा देते हैं, अभी भी 2024-25 तक इन्होंने 8 से 10% का फीस बढ़ोतरी कर दी है, इसीलिए हमने शिक्षा अधिकारी के पास आए थे कि ताकि वो हमारी बात सुने और हमारी बात रखे कि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, पालकों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये निजी स्कूल वाले मानने को तैयार ही नहीं होते, बिना पेरेंट्स मीटिंग रखे हुए उन्होंने फीस बढ़ा देते हैं और खुद के पेरेंट्स भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, मैनेजमेंट भी रहते हैं और बाकी बाहर के पेरेंट्स लोग कोई स्कूल में नहीं। और जो भी जांच में निकला कि पेरेंट्स लोग से ये ज़्यादा कमा रहे हैं तो उस पेरेंट्स को पूरा फीस वापस किया। प्रावधान है कि स्कूल जो है नहीं बढ़ा सकता है, उसके लिए बहुत सारे मापदंड हैं, लेकिन स्कूलों द्वारा क्या होता है, हर साल करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित करने के बावजूद भी मनमानी तरीके से इस सत्र में भी फीस बढ़ा दिया गया है। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई है कि सबसे पहले तो आप इन स्कूलों की जो बढ़ी हुई फीस है इसको वापस करवाएँ और वो पालकों को राहत दिलाएँ। दूसरा जो है, जो स्कूल ये कहते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस से संचालित हो रहे हैं, इनकी विभागीय ऑडिट करवाई जाए। जैसे कि एक बार 2012 में जब इनकी विभागीय ऑडिट हुई थी और KPS को 82 करोड़ और MGM को 32 करोड़ का फाइन हुआ था, उसी तरीके की विभागीय ऑडिट की मांग आज फिर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से की गई है और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि फीस भी कम करवाई जाएगी, विभागीय ऑडिट भी की जाएगी।